नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं बिल्कुल नए एक आईपीओ के बारे में, जो कि जिसका आज खुले हुए दूसरा दिन हुआ है। ड्रीम फॉक्स सर्विसेज का आईपीओ, जो कि एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ कारोबार कंपनी करती है। पहले दिन इसका यानी कल की डेट में करीब 2 गुना बढ़ा था, आज टोटल करीब 6 गुना बढ़ चुका है और रिटेल कैटेगरी में तो 19 गुना तक ये अब तक बढ़ चुका है। रिटेल में यह काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। अपरी बैंड जो इसका है 326 रुपये पर शेयर का है। और देखिए, यहाँ आपको लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाने के लिए एडवाइस की गई थी, इसकी डिटेल्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आए सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। देखिए, लॉट में आपको लगाना पड़ेगा और एक लॉट में 46 यानी 46 शेयर्स है। न्यूनतम निवेश जो है 14,996 रुपये का आपको करना पड़ेगा। छोटी अवधि के लिए यहाँ पैसा लगाने के लिए आपको राय दी गई थी। यूनिक और मोनोपोली कारोबारी कंपनी का बिजनेस है, ये इसको बेहतरीन बनाता है। अनुभवी प्रमोटर है, किसी तरह का कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कर्ज मुक्त ये कंपनी है। एसेट लाइट मॉडल है, यानी बहुत ज़्यादा एसेट्स इनके पास नहीं है। ये सर्विसेज देते हैं एयरपोर्ट की जो जगहों पर। तो ये सारे पॉजिटिव है जो कंपनी को लिस्टिंग गेन के लिए बेहतरीन बनाते हैं। यूनिक और मोनोपोली बिजनेस है, अनुभवी प्रमोटर है, एसेट लाइट और कर्ज मुक्त कंपनी है। ग्रोथ की यहाँ मजबूत संभावनाएं हैं, तो छोटी अवधि वाले लोग यहाँ लगा सकते हैं और लगा भी रहे हैं। 19 गुना रिटेल कैटेगरी में अब तक बढ़ चुका है। और जो मध्यम से लंबी अवधि वाले हैं वो लिस्टिंग के बाद तक का थोड़ा वेट करें, देखेंगे किस तरह का यहाँ पे कारोबार रहता है। प्रमोटर की बड़ी हिस्से की यहाँ बिकवाली होने जा रही है, यानी आईपीओ से जो पैसा जुटाएगी वो सारा प्रमोटर की जेब में जाएगा, वो अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। इसलिए कंपनी के हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि नए फ्रेश इशू यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये इसके लिए एक नेगेटिव देखा जा रहा है। वैल्यूएशन भी काफ़ी महंगा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए, जल्दी से आपको कैलेंडर दिखा दूँ। 24 यानी कल की डेट से लेकर कल आने वाली डेट तक 26 तक ही खुला रहेगा। आज 25 है, 1 सितंबर को डिसाइड हो जाएगा किसको मिला और किसको नहीं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपका रिफंड आपको 2 को मिल जाएगा, और अगर आपने अप्लाई किया और आपका लॉटरी लग जाती है तो फिर क्रेडिट ऑफ शेयर्स इनटू डीमैट अकाउंट, आपको 5 तारीख को डीमैट में शेयर्स आपके आ जाएंगे। 6 को जो है फाइनली इसकी लिस्टिंग होगी। और अब तक का सब्सक्रिप्शन मैं आपको लेटेस्ट दिखा रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट। यहाँ देखें तो 0.60 गुना आपको यहाँ पर तो देखने मिला है। क्यू आई बी कैटेगरी में एनआई में 8.40 है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। रिटेल में देखिए 19.10 गुना भरा है, टोटल 6.09 यानी 6 गुना के आसपास का अब तक टोटल भरा है। कल के दिन ये और बढ़ेगा, जो कि करीब 15 से 20 मिनिमम टोटल आप मान सकते हैं। और रिटेल कैटेगरी में यहाँ 40 से 50 गुना भरने की पूरी संभावनाएं हैं, हालांकि मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा डिक्रीज होते जाएंगे। उसके अलावा फाइनली आते हैं जो आप देख रहे हैं जीएमपी पे ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि सभी देखना चाहते हैं। करीब 24.5% का आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। 326 रुपये के ऊपर 80 रुपये की जीएमपी यहाँ फिलहाल के लिए चल रही है, लेकिन लिस्टिंग होते होते मार्केट के अगर देखते हैं किस तरह का जो है मार्केट का व्यवहार रहता है, अगर 18,000 के ऊपर निफ्टी टिक पाता है तो ये और अच्छी लिस्टिंग गेन आपको इजीली दे पाएगा। तो कमेंट में बताना क्या आपने अप्लाई कर दिया है या अप्लाई करने का विचार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।